अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द सुबीन वर्ल्ड। इवनिंग स्नैक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलें शुरू करते हैं। एक नॉर्मल साइज़ का आलू लिया था, उसको मैंने कट करके बॉईल करने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा नमक डाला था। उसके बाद मैं सैलेड बनाऊंगी, जिसमें मैं 2 टेबलस्पून के करीब खीरा कट करूंगी और 1 टेबलस्पून टमाटर होगा और 1 टेबलस्पून बंद गोभी कट करके रखूंगी और 1 टेबलस्पून के करीब ही प्याज कट करके वो भी रख दूंगी। हरी मिर्च यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर चाहे तो मत डालें, चाहे तो डाल लें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा था। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर रहने दें। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके मैंने एक प्यारा सा सैलड बना दिया और साइड पे रख दिया। आलू यहाँ पे उबल चुका था, सो मैंने उसको मैश कर लिया है और उसके अंदर मैं इस पर ज़रूरत नमक डाल रही हूँ और दादर मिर्च, चाट मसाला और काली मिर्च, ये तीनों चीज़ें मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, क्योंकि आलू बस एक ही था तो ये बहुत काफ़ी था। इन सबको मैंने मिक्स कर लिया था और पेस्ट हमारी रेडी हो गई थी। तो बस अब मैं प्लेटर यहाँ पर रेडी करने वाली हूँ। मैं यहाँ पर टक बिस्किट यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं, बट वो नमकीन होना चाहिए। तो मैंने एक प्लेट में बिस्किट्स को एडजस्ट करके रख दिया है और अब मैं आलू की पेस्ट इसके ऊपर रख रही हूँ। जितना भी मैंने मिक्सचर रेडी किया था वो 10 से 12 बिस्किट्स के ऊपर बहुत इजीली एडजस्ट हो गया था। इसके बाद जो मैंने सैलड रेडी किया था वो मैं हर बिस्किट के ऊपर लगाती जाऊंगी और फिर जैसे ही हमारा ये टास्क कंप्लीट होगा मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लूँगी। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आ रहा था। उसके बाद मैंने एक छोटा सा शॉपर लिया था, उसके अंदर मायोनीज डाल के नीचे से कट करके, तो वो फिर मैंने डेकोर के तौर पे इसके ऊपर लगा दी थी। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आ रहा था और सेम मैंने केचप के साथ भी यही किया था। वैसे अगर चाहें तो इस मायोनीज और केचप को हम इस मटेरियल के अंदर भी डाल के मिक्स कर सकते थे, बट ऊपर डालने से ये एक तो प्रेजेंटेबल लग रहा था और इसका फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट और हटके हो गया था। सो अब जैसे ही केचप और मायोनीज लगा दी तो उसके बाद मैं निम्को लूँगी और वो इसके ऊपर सबके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। इवनिंग स्नैक का ये बेस्ट ऑप्शन है। ये है कि जिस टाइम भी आपने इसको बनाना है बस उसी टाइम इसको खा लें, इसको बना के रख ना दें, क्योंकि ये इसकी जो रिफ्रेशिंग और क्रिस्पीनेस होती है वो फिर 2-3 घंटे के बाद ख़त्म हो जाती है। अगर बच्चे फरमाइश करते हैं तो उनको ये बना के दें, बहुत हेल्दी भी है और डिफरेंट भी है। लेट नाइट डिनर के तौर पर भी हम इसको खा सकते हैं। सो मैं मिलूँगी किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, प्रेस द बेल आइकन, Come and join. We'll see you next time. Allah Hafiz.